हेलो गाइस, मैं हूं विश्वरंजन और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, जीविका के तैयारी के लिए सेट प्रैक्टिस लेकर के आज हम आए हैं। इस वीडियो में सेट प्रैक्टिस का वीडियो बनाया गया है। अभी तक जीविका का 4 एग्ज़ाम हुआ है और उन्हीं एग्ज़ाम में आए प्रश्नों के आधार पर जीविका के एक्सपर्ट के द्वारा यह प्रश्न तैयार किया गया है जिसका वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। तो अगर इस प्रकार से आप लोग तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पे अधिकतम नंबर ला पाएंगे और जीविका में अपनी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो यह है किशनगंज। क्या है? किशनगंज। वीडियो जो हम बनाए हैं बिहार के लिए, खास करके जिसमें जनसंख्या साक्षरता सबका जिक्र किया गया है, तो वो वीडियो कहीं दिक्कत होगा तो देख लीजिएगा, उसमें इसका आंसर मिल जाएगा आपको। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू। 1 किलोबाइट में यानी 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 10 और 24 बाइट मिलकर के 1 KB बनता है, किलोबाइट बनता है, 10 और 24 हो जाएगा इसका आंसर। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल। कंप्यूटर के आविष्कार कौन किए थे? चार्ल्स बैबेज। 6 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या कौन है? तो 6 के विभाजिकता के नियम है, जो 2 और 3 से विभाजित हो जाए वह 6 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा कौन नहीं है, तो जो 34,562 है वह 6 से विभाजित नहीं हो गया, आप लोग भागा दे करके देख सकते हैं। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? तो माउस, लाइट पेन, टच स्क्रीन, सभी जो है वह इनपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो मॉनिटर जो है वह इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन जो है वह इनपुट डिवाइस है, जस्ट अभी बात किए थे, तो टच स्क्रीन जो है वह आउटपुट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है जी? तो बीट होती है। मनरेगा क्या है? तो यह है काम की गारंटी की योजना है, मनरेगा पर भी एक वीडियो बना चुके हैं, तो किसी को दिक्कत हो तो वहां भी जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ पर है ये मैथ, तो इस पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे हल करते हैं इस मैथ को। देखिए बहुत सिंपल है, 34 × 42 / 4 माइनस छोटी कोष 47/50। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर छोटी कोष्ठ का क्रिया करते हैं, ठीक है? 13 नंबर प्रश्न है, छोटी कोष्ठ का क्रिया करेंगे तो ये माइनस है। देखिए 43 में से -50 को अगर घटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -7, ठीक है? और इसको एक सेकेंड, और यहाँ पे भागा 2 है। अब 42 में से भागा 2 देंगे तो कितना आ जाएगा जी? 21। 34 × 21 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इतना को आप मतलब इसको और इसको गुना करते हैं तो 714 आएगा, जोड़ 7 अर्थात कि 721 इसका आंसर होगा सी। अगला है, ग्राम संगठन का क्षमता वर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, डी इसका आंसर है। मनरेगा का कार्य जीविका के किस थीम के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक विकास। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस पर हम लोग ध्यान देते हैं, इसका कैसे होगा? तो 10.03 × 0.03 भागा 0.003, तो 0.03 से आप भागा देंगे 0.003 में, तो ये आ जाएगा कितना? 10। ऐसे इसको देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, 10.03 × 0.03 भागा 0.003, यहाँ से यहाँ उड़ा दीजिए, यहाँ 3 रहा को 30। अब 0.03 × 10 ये हो जाएगा, इसका मतलब है कि 100.3 आंसर।
तो इसका हो जाएगा 100.3। IBCB का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होगा इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। कौन सा एक प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो यह है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्यूटर का उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है जी? तो हर कोई जानता है इसे, हार्डवेयर। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। रिज्यूम अर्थात कि बायोडेटा बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? तो पेज मेकर और एमएस वर्ड दोनों की सहायता से आप बायोडेटा बना सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। तो बहुत ही आसान है, देखिए ए जोड़ है, ये दोनों को ऐड करना है, ये माइनस है और ये ऐड करना है। तो ये तीन को जोड़ दीजिए आप और इसमें से एक घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। इसमें कोई विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 748.77। बिहार में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल। ये सब क्वेश्चन का जिक्र एक वीडियो में कर चुके हैं, कृपया बिहार से संबंधित वीडियो देखिए अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बिहार के लिए, जीविका के लिए। निम्न में से कौन 11 से विभाजित होगा जी? तो 11 से विभाजित अर्थात कि 11 से कौन विभक्त होगा? तो वो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये है 1331 और यहाँ ए, दोनों जो है ए और बी दोनों जो है वो 11 से विभाजित हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। 28 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, इसका यहाँ पर बनाया गया है, सॉल्व किए हैं। देखिए क्वेश्चन ये है 28 नंबर का, यहाँ ये बड़ी कोस्ट उसका मंथली कोस्ट है 34.001.43 घटाओ 23.001, यहाँ पर घटाओ छोटी कोस्ट में ये है, फिर यहाँ पर 5.01×0.1 और 123 यहाँ घटाओ है। एक क्वेश्चन आपके पास है तो सबसे पहले हम लोग छोटी कोस्ट का क्रिया करेंगे। तो यहाँ पे छोटी कोस्ट का क्रिया करने पे देखिए, इसमें जो 34.01 में गुना आप करेंगे 12 से तो आपका आ जाएगा 400.12 घटाओ 9.3×1। उसके बाद इधर आप गुना करते हैं कितना भाई? तो 34.01 को जोड़ते हैं 43 से और घटाते हैं 23.01, तो इसका आपका आ जाएगा 53.991। यह सब आप कर सकते हैं, आपको कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। फिर उसके बाद है ये जस्ट कतर से उतार दिया गया है, फिर देखिए यहाँ पर इसको छोटी कोष का क्रिया करते हैं, इसमें से एक को जोड़ देते हैं 9.3 को घटाना है, तो यहाँ पर इसी को उतार दिया 53.991 घटाओ 399.82 घटाने के बाद आ गया, और इसको इसको यानी कि 5.01 को 0.1 से गुना किया जाएगा तो आ जाएगा 0.501 घटाओ 123.43। अब सीधा है, इसको और इसको जोड़ दीजिए जो प्लस में है और माइनस में, उसको एक साथ जोड़ करके घटा दीजिए तो इतना किया जाएगा, उसका आपका आंसर आ जाएगा -888.758। तो कृपया आप खुद से सोल्व कर लिया जाए, कंसेप्ट के लिए मैं सिर्फ बताया हूँ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर आपको आ रहा है 10-468.758 जो कि इसमें से नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 29वां नंबर क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर 29वां नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा सा विचार किया जाएगा। यह भी है 29वां नंबर क्वेश्चन आपका है, मिला लीजिएगा आप वीडियो में। 34.002 घटाओ 453.98 जो 345.021, इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए इसको आप अगर घटाते हैं तो यहाँ पर इसका भागा देते हैं तो आ जाएगा इतना -2.48। इसका अगर आप गुणा करते हैं, क्योंकि भागा के पास गुणा का
काम होता है, तो इसका गुना करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 200.2। ए भी माइनस में है जी, यहाँ पर देखिए ए प्लस में, ए प्लस में, ए माइनस में, तो माइनस को एक साथ ऐड कर दीजिए और प्लस को एक साथ ऐड करके घटा दीजिएगा, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2277.567। ठीक है, माइनस 277.567। तो यहाँ पर आपका एक ये जो चार ऑप्शन है उसमें नहीं दिया गया है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के किस पर्यटन केंद्र गर्म जल का स्रोत है, तो यहाँ पर राजगीर में गर्म जल का स्रोत है। बिहार का वह जिला कौन है जो महिलाओं के संख्या में पुरुष वहाँ ज्यादा है, तो उसका आंसर हो जाएगा गोपालगंज। जीविका में गांव के कितने प्रतिशत की जनसंख्या को जोड़ने के लिए माना गया है, तो 80% ग्रामीण जनसंख्या इसमें जुड़ती है। पांच संख्याओं का योग, यहाँ पे 33वां नंबर जो आपका क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए, पांच संख्याओं का योग 240 है और पहली दो संख्या 60 है, तो पहली दो संख्या नहीं, पहली दो संख्या का योग कितना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, और अंतिम दो संख्या का योग कितना हो जाएगा तो 70 है, यानी 140। देखिए 70 तो 140, तो यहाँ पे 140 और 60 200 हो जाएगा जी, और पांच संख्याओं का योग 240 लिखा हुआ है, यानी 240 दो में से आप 200 को घटा दें, यानी कि 40 तीसरी संख्या क्या होगी तो 40 होगी। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो इसका भी इस तरह से है बना हुआ। चार क्रमागत सम संख्या अर्थात x+2, x+4, x+6 मान लेते हैं कि यह चार क्रमागत सम संख्या है, इसमें से तो 1, 2, 3, 4, 4x जो 4 × 6 = 12 = 27 × 4, यानी कि 108, ये 12 इधर चला जाएगा, -96 x+24, और सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो यानी x+6 अर्थात कि 24+6 अर्थात कि 30 आंसर क्या हो जाएगा। सात क्रमागत सम संख्या का औसत कितना है जी, तो 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, उसी प्रकार से बनेगा। क्रमागत सम संख्या का मतलब क्या हो गया, एक क्रमागत, देखिए बोला सात क्रमागत संख्या अर्थात कि x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6, यानी कि 7x जो 6 × 5 = 11, 11 × 6 = 15, 3 × 18 = 20, 1 = 21। ठीक है, 7x+21 और उसका 140 हो जाएगा, क्योंकि सात संख्याओं का योग 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 14, 140 आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 इसको घटा देंगे तो 119 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, इसमें से हाँ 121 घटाने पे अर्थात कि x बराबर कितना हो जाएगा तो 17, इसका 17 सबसे बड़ी संख्या, यानी x+6 अर्थात 17+6 यानी कि 23 अर्थात कि ये हो जाएगा आंसर इसका 23। बिहार के राज्यपाल कौन है, तो लालजी टंडन बिहार के राज्यपाल हैं। जीविका के मुख्य अधिकारी कौन होता है, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। DOS क्या है, तो डिस ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेमेल छाटना है जी, देखिए गला कान आंख, गला कान होठ, ये चार है, इसमें से आंख भी मुंह के ऊपर होता है, कान भी होता है और होठ भी होता है, यहाँ गला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 1, 8, 7 कोई सीरीज है, इसमें कौन सा होगा, तो 1 का Q है, 2 का Q है, 3 का Q है, यानी कि 4 का Q, 4 का Q कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी सॉल्व इसलिए किया हूँ क्योंकि वीडियो के समय को ध्यान में रख करके किया गया है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसमें फिलहाल 40 प्रश्न ही दिए गए हैं, क्योंकि जीविका में ऐसे 50 प्रश्न आएंगे, तो जिसमें से मैथ 5, रीजनिंग 5, कंप्यूटर 5 और बाकी जो है वो जनरल जीके होगा, तो 35 आएगा वो, तो इस तरह से प्रश्न 50 आएंगे। अगले वीडियो में फिर से नए सेट के साथ हम लोग आएंगे तब। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर बने रहें, साप्ताहिक रूप से इस चैनल पर सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो कि निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठाइए और अपने जीविका में अपना स्थान पक्का कीजिए। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका समाधान
किया जाएगा।